सो गाइस अभी हम जा रहे हैं नव दुर्गा मंदिर। क्या ले रहे हो? जो देख रहे हो इतना बिल्कुल भी रेडी शेडी नहीं हुए हैं हम लोग, कपड़े धो के लेके आए, लेकिन रेडी होने को दिया नहीं है इन्होंने। बस ये जो घर के कपड़े हैं, नाइट ड्रेस, उसी में ही घुमा रहे हैं लोग। अभी जा रहे हैं हम नवदुर्गा मंदिर, और पीछे का व्यू कितना सुंदर है। अभी क्लिक करवाते हैं हम 3-4 फोटोज। और गाइस हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। क्या हुआ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी नहीं, बट बहुत बड़ा वाला हुआ है। और पीछे का व्यू देखो कितना सुंदर आ रहा है। और ये लोग तो और गोरे आ रहे हैं, जो गोरे हो और सबसे गोरी अंजलि आ रही थी। अब हम क्लिक करवाते हैं 3-4 फोटो, एक आध रील, उसके बाद मिलते हैं। दुर्गा की जो माता का मंदिर है वहाँ पे भी चढ़ाई पूरी वैष्णो देवी जैसी है, स्टेयर्स ही स्टेयर्स है। अभी तो हम निकले, हमें लगा था पास में है क्योंकि बहुत पास में दिख रहा था, बट चलने के बाद पता चल रहा है कि काफ़ी दूर है। बाकी अभी हम चल ही रहे हैं, पीछे वाले हमारे दिख नहीं रहे, आगे वाले आगे चल रहे हैं। ठंड बहुत हो रही है भाई, और अभी वहाँ पहुँचते उसके बाद दिखाते, क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो रही है मेरी, 40% हो गई है अब, क्योंकि वहाँ से आते हुए भी बनानी है, जाते भी बनानी है, फ़ोटो क्लिक करनी है, सो दैट इज़ वाई। मंदिर के बहुत नियर आ गए हैं, बट वो नियर दिखता है, होता कुछ भी नहीं है। वैष्णो देवी में मैंने सब सीख के आई हूँ। किधर कहीं इधर उधर भटक गए तो वो लोग वहाँ ना निकल गए, और राइट लेफ्ट में नहीं आ रहे पीछे। ये मंदिर मिल रहा है यहाँ पे, तो सामान सारा कुछ लेना है तो ले लो भाई। हाँ, नरसिंह भगवान के ही जाते हैं। बाकी चल ही रहे हैं, कब आएगा कुछ अता ना पता। हाँ, यहाँ से नीचे चलो ना। अच्छा, यहाँ से जाना वासुदेव मंदिर, दुर्गा मंदिर। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो गाइस, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर जो जाते हैं उनके लिए यात्री निवास स्थान है यहाँ पे, स्टे के लिए बना है। पता नहीं हम लोग कब जाएंगे केदारनाथ। कहाँ गए हमारे ये मैनेजर? ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन आती ही लॉन्च होती है हम लोग। ट्रेन लॉन्च होएगी 2-3 साल में, ट्रेन लॉन्च होते पहुंच जाएंगे हम। केदारनाथ की यात्रा शुरू कर रहे हैं 2-3 साल बाद। ट्रेन बनने के बाद तो इजी हो जाएगा जीजू, तभी तो क्या फायदा फिर तो। ट्रेन वहां तक के पूरा केदारनाथ थोड़ी लेके जाएगी, वो नीचे ही लेके जाएगी ना। और ये रहा पूरा स्टेयर्स जाने का, और टेम्पल ये रहा। लोग भी है यहाँ, संतरे ऐसे लगते पेड़ में। ये देखो यहाँ पे पेड़ में मुझे संतरे नहीं हुए, संतरे निकाल लो जीजू, यही सी बात है। अब घंटी बजाने के लिए भी यहाँ पे कंपटीशन कर रहे हैं लोग। बजा दी, जीजू ने प्रसाद ले लिया है, न्यूली मैरिड है ना। जीजू आए हनीमून में किसके साथ? हम लोग। ये रही एंट्री, बट हम गलत आए हैं, हमें वहाँ से जाना था, शूज़ का ना वहाँ पे दिख रहा था। अच्छा, यहाँ पे भी है तो शूज़, यहाँ पे भी उतार रखे किसी ने। श्री हनुमान जी मंदिर, नवदुर्गा मंदिर है, और यहाँ पे भी है। सो गाइस, जितनी फोटोग्राफी अलाउ है मैं उतनी कर दूंगी, और वैसे भी मंदिर के अंदर तो वीडियोग्राफी अंदर अलाउ नहीं होगी, बट यहाँ पे तो हो सकती है मेरे हिसाब से, तो मैं बना देती हूँ। बाकी यहाँ चेंजिंग रूम भी है, जो जैसे स्टे का था ना, तो उनके लिए है ये सब। ये है मन्नत के लिए है, जिसको कोई भी मन्नत मांगते हैं तो वो ऐसे जो है वो बांध देते हैं, तो ये मन्नत पेड़ है। और मंदिर की जो एंट्री है वो अभी क्लोज है, और बाकी जो है ये ट्री पे ये बांध देंगे मन्नत के लिए। ये लोग कहते हैं कभी मंदिर बंद है, फिर कहते हैं ओपन है, क्योंकि गेट आगे है। मैं भी ना इन लोगों की तरह पागल हूँ।
सो गाइस ये है महालक्ष्मी जी, जो जितने बाहर के मंदिर हैं उन पे थोड़े बहुत वीडियोग्राफी कर सकते हो, बट जो मेन मंदिर है इसके अंदर वीडियोग्राफी अंदर अलाउ नहीं है। बाकी हम दर्शन करके आ गए हैं अंदर से, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, प्रिटी बोलते हैं ना वो वाला मंदिर है। बाकी एक दो ग्रुप फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं यहाँ पर, उत्तराखंड में जो घर होते हैं ना वैसे। तो जीजू कह रहे हैं हमारा घर भी ऐसा ही, बहुत मतलब बहुत सुंदर लगता है, थोड़ा देखने में यूनिक सा लगता है, कलरफुल और ब्लू कलर। आपके लिए दिख रहा होगा ना, रोशनी आ रही थी। नवदुर्गा के बाद हम लोग जा रहे हैं श्री वासुदेव मंदिर। चलो आगे वीडियो में कोई तो आ जाए। इसमें भी हमने वीडियो शूट कर लिया, बट अंदर करना मना है, और बाकी बाहर से दिखाते हैं। बाहर अंदर छोटी छोटी अलग 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 मूर्तियाँ हैं, बहुत सुंदर प्रीटी, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है यहाँ पे। गाइस अभी जीजू नौटंकी कर रहे थे कि मैं थक गया हूँ, सब थक गए ऊपर जाने में, और फिर जीजू ना वीडियो बनते ही एक्टिव होने का नाटक कर रहे हैं। बहुत तेज चल, सब थक गए, चलो चलो थक चुके हैं, लेकिन हमने अभी भी हार नहीं मानी है। हम बढ़ते रहेंगे और चढ़ाई चढ़ते रहेंगे। हाँ ठीक है दी, हम ये वाले जो पेड़ होते हैं ना उसका ये वाला फल ले जाएंगे, अच्छा पेड़ करके घर ले जाकर मेरा छोड़ लगता है, मौका जल्दी जाओगे क्योंकि मैंने ज़्यादा भी लोगी का बहुत होते हैं। गाइस एक डॉग ने इन तीनों का रास्ता रोक लिया, हद हो गई है, हद हो गई है, एक निकल गई दो फंस गए। ये देखो अब उसे बहला रहे हैं। सेकंड मंदिर, हाँ सेकंड मंदिर जो है श्री भविष्य केदारनाथ मंदिर, जो कि हमारे होटल के जस्ट बगल में है, तो हमें वहाँ से शॉर्टकट मिल गया इसलिए हम जल्दी पहुँच गए, अदरवाइज हमें लेट ही हो जाता। हनुमान जी का मंदिर है, छोटा शिवलिंग, अंदर दिखा दे। वो आठ बद्री में केदारनाथ, श्री भविष्य केदारनाथ मंदिर कुछ ऐसा है। गाइस मेरे जीजू की हो गई है हालत टाइट, सिर्फ एक मंदिर चढ़ने में, ये तो अभी जस्ट सेकंड मंदिर स्टार्ट है। नहीं भाई हम बिल्कुल फिट एंड फाइन है भाई, हाँ हालत खराब। कम ऑन गाइस, ज्योति मठ मंदिर कितना सुंदर है, आप ही जीजू थक गए इसलिए मंदिर में नहीं आ रहे, हम मंदिर होकर आते हैं। यहीं पे बना रखा है श्री शंड का चार्य गद्दी, पता नहीं अलाव है नहीं अलाव है गाइस, मैं क्या करूं, कुछ कोई है भी नहीं बताने के लिए। गाइस अभी हमने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि अलाव है, तो मैं एक बार दिखा देती हूँ सारी देवी ऐसे वीडियो बना रहे हैं। और एक बार पास से भी दिखा देती हूँ सारे। अवंतिका देवी, बिडाली देवी, रेवती देवी, जितने भी हैं सारे यहाँ पे देवियाँ हैं, तो यहाँ पे इतनी सारी देवियों की मूर्ति है, तो जो भी आए तो। और ये है यहाँ पे भी सारी, मतलब जितनी भी देवी है ना सारी देवता हैं यहाँ पे। जी कितना फोटो खींचा।
तो यहाँ पे जितनी भी देवियाँ हैं वो टोटल देवी 64 देवियाँ हैं। सो इसके दर्शन हमारे हो गए हैं। इसके दर्शन के बाद यहाँ पे है सूर्य देव, चंद्र देव, भौम देव, बुध देव, गुरुदेव, शुक्र देव, शनि देव, राहु देव, केतु देव। बस अपनी अच्छी कृपा बनाए रखना। गाइस उसके बाद जो हमारे देव थे उनके बाद है ये वटकाचार्य गुफा जो कि है इस साइड। वटकाचार्य गुफा जूते चप्पल उतारे जो हम बाहर ही उतार के आ चुके हैं। वटकाचार्य गुफा ये रहा, कितना प्रीटी है गाइस। मैं भी अंदर जाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कितना सुंदर है। यहाँ पे कहीं लिखा तो नहीं है कि वीडियोग्राफी, गुफा के बाद है उसी के साइड में है जस्ट राज राजेश्वरी देवी मंदिर। उसके बाद है यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जो रहते होंगे वो है। बाकी यहाँ पे क्या व्यू है गाइस, अब ज़्यादा गोल घूमोगे तो चक्कर आ जाएंगे। कितना प्रिटी लग रहा है ये मंदिर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हर गांव की लाइफ टॉप है, वो सिलेंडर लेके जा रहे हैं अपने कंधे पे, वो भरने लेके गए थे बट शॉप जो है वो बंद है कह रही हैं। श्री ज्योति मठ मंदिर के बाद हम जा रहे थोड़ा और आगे क्योंकि कुछ तो है उधर भी, बाकी देखते हैं क्या है। जीजू अंदर नहीं गए थे, जीजू नहीं गए अंदर। क्या है अंदर लिखा हुआ ना, अमर अमरकल्प वृक्ष, अमरकल्प वृक्ष वो जो पीछे है ना वही है, बाकी मैं अंदर से दिखाती हूँ। ये है अमरकल्प वृक्ष। यह है पूर्णागिरी देवी टेंपल। यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं, यहाँ वहाँ से लेके यहाँ 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 सारे मंदिर हैं जो मैंने सब दिखा दिया आपको, ए टू जेड मंदिर दिखा दिए। वहाँ जाना बाकी है अभी, वहाँ पे वो हम अभी जाएंगे। यहाँ पे श्री स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज जी का ये टेंपल हम एंटर करने वाले हैं। भीष्म पितामह, ये तो मैंने टीवी में देखा था यार कहीं पर। यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सुंदर। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप मिलोगे यहाँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई आप मिले। वो देखने गए रूफ टॉप वाला, अजीब क्या हो रहा था, टॉप वाला वहाँ पर से मिलेगा,
फटी कर तो आई कहा रहे कहा जा रही ट्रॉली जा ही नहीं गाइस ये बहुत सुंदर मंदिर है बहुत ज्यादा प्रिटी हाथी के नीचे हाथी मगर मछली हाथी का पैर वो किया है काट लिया है किले अरे हाँ यार वो देख मंदिर मिल गए पहाड़ मिल गए सब मिल गया ये पहाड़ बहुत डिफरेंट है छोटू सा बहुत सुंदर हाँ हो सकता है गंगा हो सकती है गंगा पानी निकल रहा है रुद्राक्ष का पेड़ भी मिल गया हमको अब इसमें से ये तोड़ते हैं हम गिरते नहीं गिरते ये रुद्राक्ष थोड़ी ना है दीदी ये है ये रुद्राक्ष पक्का नहीं ये रुद्राक्ष नहीं है तो फिर निकल रुद्राक्ष निकल गया लगता है इसके अंदर अंदर होता है इसके मारो मारो ये देखो दीदी ने कहां मारा है निशाने बहुत गंदे ऐसे ये ऊपर निकल गए वो नीचे कुछ तो गिरा है ये भी खाली है खाली है खाली खाली है हाँ इसमें किसी के भी अंदर रुद्राक्ष नहीं किसी सब जो आते हैं ना वो निकाल के ले जाते हैं लग रहा है इसलिए मुझे तो अभी तक दिखा नहीं है बाकी आंटी कह रही रुद्राक्ष का है तो देखते हैं मुझे दिखता है तो मैं दिखाऊंगी पक्का देखो स्ट्रगल रुद्राक्ष निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं हम यहाँ पे उसके लिए पहले ही समा मांग लो समा है दीदी दिखाओ तो इसके अंदर होगा ना उसको फोड़ना पड़ेगा फोड़ो कैसा होता है दिखा तो दे हम भी देख ले सब तोड़ लो दीदी अरे यार मेरे नाखून टूट एक और दीदी आपके हाथ के ऊपर जस्ट एक और है जहाँ से आपने पकड़ रखा है हाँ घर जाके चाकू से काटेंगे हैं इतना ताकतवर है नहीं मतलब उससे नहीं कटेगा लो ये पत्ता दिखा दो पत्ता है अभी तो नहीं अभी पत्थर से फोड़े पत्थर का है पत्ता तो येलो कलर का वो वाला होगा अभी देखेंगे ना तू वीडियो बना रही है ना हां रुद्राक्ष ये पत्थर तो वो लग रहा है कि जैसे वो विद्या वाला ना हां विद्या वाला तू सही बोल रही है ना ये वही तो वही है क्या दिखा दो पहले तोड़ के तो सही ये तो बीज है हाँ ये बीज आ रही है रुद्राक्ष नहीं है रुद्राक्ष नहीं है फालतू हम इतनी मेहनत कर रहे हैं रुद्राक्ष नहीं है भाई आ जाओ किसी चीज के दाने हैं वो किसी के हाँ दाने हैं किसी चीज हाँ रुद्राक्ष नहीं है गाइस जो उत्तराखंड से है प्लीज बताना ये सच में रुद्राक्ष बन रहा है या ये उस चीज का पेड़ है ही नहीं है हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा मोरपंख नहीं बोलते जिसको मोरपंख बोलते वही वाला पेड़ तो ही विद्या का पेड़ जिसको बोलते हैं ये वही वाला पेड़ है ये रुद्राक्ष हार्ड है कमेंट डाउन जिसको भी पता है कि क्या है ये लग रहा मुझे पत्ते से तो मोरपंख नहीं लग रहा हूं ये आ गए हम बाहर इस मंदिर से घूम लिए हम सारे मंदिर लोग घर ही घर है बीच बीच में घर भी है भी अब मंदिर भी अच्छा सुगर है अच्छा ये जैम चटनी सब आंटी ने खुद बनाई है सोल्ड आउट करने के लिए रात का दूध माल्टे का दूध यार बहुत रहा हो बड़ी और
वहाँ गिरी है बार का एड्रेस दिव्या का है और वहाँ पे तो गाइस देखो हम लोग खा रहे पार्टी पार्टी के नाम पे कुरकुरे का डिप पैकेट है, दो जिम जाम बिस्कुट है, अभी अभी जस्ट हम आए हैं मंदिर, सारे टेंपल्स जितने थे हमारे यहाँ, दो में भी बहुत काफी बड़े थे। कैसा लगा दीदी मंदिर जो हम घूम के आए थे? सच में अच्छा था ना, इतना सुंदर, इतना सुंदर। पूछा अब तो देखा जैसे भीष्मतामा भी थे, पता है इतना। आप वीडियो दे, जीजू गए नहीं क्योंकि इन्हें आलस आ रहा था जूते उतारने में, बट यहाँ आके इन्होंने आलस करा ना, व्लॉग में देखना कि क्या है। मैं जो देवी है ना 64 देवियां, वो सारी के सारी है वहाँ पे, उन सब की मूर्ति इतनी अच्छी बना रखी है ना वहाँ पे, और एक गुफा भी है वो। सो गाइस अब अभी अपने अपने बेड में बैठे हैं क्योंकि बेड बहुत ठंडा है इसीलिए। और अभी हम लोग जाएंगे डिनर करने, उसके बाद करते हैं वीडियो एंड। कल हम क्या करेंगे वो सब कल पता चलेगा। बाकी सारा टूर का कॉस्ट बता दिया था, होटल रूम का कॉस्ट बता दिया था, मंदिर का इधर जहाँ हमने होटल लिया है वहाँ से हमारे दोनों मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हमारा कोई भी कॉस्ट उसका नहीं लगा, दोनों नियर बाय है, और मंदिर की भी कोई टिकट नहीं है तो सब कुछ फ्री है। और बाकी जहाँ हम कल जाएंगे उसका सारा कल अपडेट मिलेगा। और अभी स्पीकर लेके आए, स्पीकर बजाएंगे, थोड़ा डांस करेंगे, थोड़ा इंजॉयमेंट। बाकी बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है इसलिए हम अंदर आके बैठ गए, अब जाएंगे हम डिनर करने तब। सो गाइस अब हमारा चल रहा है 7:30 बजे डिनर, चिकन एंड तंदूरी रोटी मक्खन वाली। हम खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो अभी डांस करने वाले हैं स्पीकर बजा के, है ना। अभी हम लोग जस्ट खाना खा के आए, सब सोने की तैयारी। सो गाइज अभी हम लोग जस्ट खाना वाना खा के आए थे, और डांस वांस कोई नहीं कर रहा है क्योंकि हम कल से ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग थक गए हैं। दिन में भी हम लोग घूमने गए थे बिना सोए, सो अभी जस्ट हम सो रहे हैं। 8:30 बज गए, कल सुबह हमें 5 बजे उठ के रेडी होना है, 6:30 बजे नंबर लगाना है, कहाँ लगाना है वो कल की वीडियो में पता चलेगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ तो बोलो जी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, और अगर कुछ भी चीज़ पूछना हो तो कमेंट कर देना, हम बता देंगे। और वीडियो चलिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय।